हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक स्टॉक है, उससे रिलेटेड बातें करेंगे। उसमें आपको एक अच्छी न्यूज़ मिली है स्प्लिट से रिलेटेड। ओके, तो 1:5 का उसमें स्प्लिट मिला है, मतलब आपके अगर आपके पास 100 शेयर होंगे तो वो 500 शेयर हो जाएंगे। तो आइए उससे रिलेटेड बातें करते हैं, उसकी बैलेंस शीट चेक करते हैं, क्या हमें उसमें एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उससे रिलेटेड बातें करेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार जो आपका खुद का चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, यहाँ पर फ्री में आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। किसके साथ? एंजल ब्रोकिंग के साथ, जो आपको 0 डिलीवरी चार्जेस, फ्री में आपका डीमैट अकाउंट। बहुत अच्छा ब्रोकिंग फर्म है, सेबी रजिस्टर्ड है, एज वेल एज ये अगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं, मैं तो सलाह कभी नहीं देता, बट स्टिल अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर आप अकाउंट ओपन करेंगे तो 30 डेज तक आपके कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं लिया जाएगा। और एक और विनती है, एक मुहिम शुरू करी थी, नीचे आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ श्री राम जी की जन्मभूमि जो टेम्पल बन रहा है उसमें अगर आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं, कुछ सहयोग करना चाहते हैं, तो इस लिंक पे आप जाएंगे, डायरेक्टली इनकी वेबसाइट ओपन होगी, वहाँ पर आप डोनेट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो वीडियो जिस शेयर से रिलेटेड मैं बातें करने वाला हूँ वो शेयर है डिक्सन टेक्नोलॉजी। आज देख सकते हैं लगभग लगभग 609 पॉइंट, अगर कल की बात करें तो कल 14,000 रुपये के लगभग ये शेयर चल रहा था। ओके, और 14,000 रुपये के लगभग ये शेयर चल रहा था, और आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या लगभग लगभग 1,500 रुपये ये शेयर, 10% कम से कम ये शेयर भाग चुका है। तो क्यों जंप आ रही है, इसके पीछे मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसमें स्प्लिट की न्यूज़ आ रही है। ओके, तो स्प्लिट मंजूर हो गया है, गवर्नमेंट कंपनी ने स्प्लिट को मंजूरी दे दी है। 1 साल पहले ये शेयर लगभग 2,659 रुपये का ये शेयर हुआ करता था। ओके, और इसी दायरे में मतलब 3,000 के आसपास आपको ये शेयर अब आगे देखने को मिलेगा। तो क्यों स्प्लिट का क्या रिलेशन है और क्या है, उससे पहले मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक इन्वेस्टर है, उन्होंने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं एक छोटे से पेनी स्टॉक में। सॉरी, 1 लाख नहीं, कुछ अमाउंट यूज़ किया होगा, बट 1 लाख रुपीज़ का उन्हें लॉस हुआ है विकास मल्टी कॉर्प में। तो आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो छोटे पैनी स्टॉक होते हैं उसमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं किया करते। जब भी मैंने वीडियो बनाई होगी तो मैंने हमेशा बताया होगा कि आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर दीजिए, 500 इन्वेस्ट कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर दीजिए, उससे ज़्यादा मत करिए, क्योंकि ये भागते भी तेज है, गिरते भी तेज है। तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी यहाँ पर बताया, इस वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि आप यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। ओके, तो इसके बैलेंस शीट भी मैंने आपको पढ़ के बताई थी कि इनका जो इस बार का जो रिजल्ट था बहुत बढ़िया रिजल्ट आए हैं, कुछ उन्होंने कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ बल्कि लॉस में कंपनी है, ईपीएस बड़ा बेकार है, तो इसलिए ज़्यादा इन्वेस्ट ऐसी कंपनी में नहीं करते। बट ऐसी आपके जो मैक्सिमम आपका जो पैसा होना चाहिए वो हमेशा किस में होना चाहिए, वो होना चाहिए लार्ज कैप में। ओके, 70%, उसके बाद 20% आप रखिए मिड कैप में। ओके, उसके बाद 5 या 10% ही स्मॉल कैप में रखिए, ज़्यादा पैसे मत रखिए, स्मॉल कैप पर रिस्की स्टॉक होते हैं, लार्ज कैप में रहेंगे तो आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग रहेंगे, और पैसे का जो लार्ज कैप जितने भागते हैं ना उतना ही आपको अच्छा प्रॉफिट होता है। सो ज़्यादा स्टंटबाजी ना करके धीरे धीरे पैसा कमाना सीखिए एक साथ में। तो यहाँ पर देखिए आज का अगर शेयर की बात की जाए, लगभग 4% यहाँ जंप है, और लगभग 49% यहाँ पर डिलीवरीज उठाती हुई देखी है। कंपनी इन्फॉर्मेशन में बात करें तो देखिए यहाँ पर न्यूज़ आ गई है आज के दिन की, 2 फैब स्टॉक स्प्लिट। तो क्या है, डिक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड हैज़ इन्फॉर्म द एक्सचेंज दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज इट्स मीट हेल्ड ऑन फेब्रवरी, आज के दिन हैज़ कंसिडर एंड अप्रूव डिविजन। तो मतलब कितना, 1,17,09,871 शेयर का डिविजन हुआ है, जो कि 10 का फेस वैल्यू चल रहा है, तो वो उस अब हो जाएगा 5-2 रुपये का फेस वैल्यू। तो देख सकते हैं शेयर ऑफ 10 ईच इंटू शेयर ऑफ 2 ईच, तो मतलब ये जो शेयर है लगभग 5 गुना हो जाएंगे। तो आपके जो शेयर, आपके 100 शेयर होंगे तो आपके वो शेयर 500 हो जाएंगे, और इस तरीके से यहाँ पर डिवीज़न हो जाएगा प्राइस में भी। तो आपका जो 15,000 प्राइस चल रहा है, ओके, जो भी प्राइस उस टाइम होगा जब एक डेट आएगी तो उस टाइम ये डिवाइड हो जाएगा 5 से। ओके, तो लगभग 3,000 कुछ रुपए के आसपास तब आज के हिसाब से बता रहा हूँ, और उस टाइम जब होगा तो आपको पता चल जाएगी, उसके बारे में और भी मैं आपको बता दूंगा। सॉरी, अगर अब हम देखें यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग, तो प्रमोटर्स के लगभग 35% की होल्डिंग है, और पब्लिक के 64% की होल्डिंग है, और डिविडेंड भी कंपनी देखिए देती आ रही है, और कोई भी शेयर इनका गिर भी नहीं है, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो आइए आप सबसे पहले बात कर लेते हैं सीधे रिजल्ट्स की। तो देखिए रिजल्ट्स कंपनी के आ चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने
ओके, ये जो रिजल्ट्स है यहाँ पर देख सकते हैं, प्रिंट अच्छा नहीं है इनका, डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, तो ये स्टैंड अलोन की बात कर रहा हूँ, ओके, कंसोलिडेट की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टैंड अलोन। तो ऑपरेशन से जो इनके रिजल्ट्स आए, देखिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो ये जो 31 दिसंबर 2020 जो ये Q3 के रिजल्ट्स है इस साल के, ये ये लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स है 30 सितंबर 2020, ओके, Q2 के रिजल्ट्स है, और जो ये रिजल्ट्स है 31 दिसंबर 2019, ये Q3 के रिजल्ट्स है 2019 के, ओके, तो ये लास्ट ईयर के हैं, ये लास्ट क्वार्टर के हैं, और ये इस बार के रिजल्ट्स है। तो रिवेन्यू देख लीजिए, होप सबको साफ दिखा रहा हो, दिखाई दे रहा होगा, वरना मैं आपको एक सरल भाषा में बता दूंगा। रिवेन्यू देख लीजिए, रिवेन्यू जहाँ पर लास्ट ईयर 80,880 लाख, लाख की बात हो रही है यहाँ पर, 80,000 की सीध कहेंगे, तो 80,880 था, वो बढ़ के 1,47,288 हुआ, जो अभी बढ़ के, ओके, इस साल लगभग 1,89,693 रुपीज़ का यहाँ पर रिवेन्यू हुआ है फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब जिस कंपनी में ये जिस सेगमेंट पे कंपनी काम करती है उसे बेच के, उस प्रोडक्ट को बेच के, यहाँ पर उस प्रोडक्ट में का डील करके यहाँ पर इसका रिवेन्यू है। तो देखिए क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली बेसिस पे बहुत अच्छा यहाँ पर जंप आता हुआ आपको साफ मिलेगा। अदर इनकम की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अदर इनकम इस बार 18 लाख ही यहाँ पर हुआ है, और लास्ट ईयर 31 था, और उससे पहले लास्ट ईयर के क्वार्टर में 107 था, और लास्ट क्वार्टर में यहाँ पर 31 था। तो अदर इनकम को वैसे भी हम काउंट नहीं करते, रियल इनकम जो होती है वो ऑपरेशनल इनकम होती है, तो जो कि 1,89,693 लाख रुपीज़ है। अगर टोटल इनकम की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 1,89,711 लाख रुपीज़, और अगर लास्ट क्वार्टर की बात करें 1,47, और इससे पहले लगभग 80,89,87 लाख रुपीज़ का यहाँ पर था। तो इनकम कंपनी की काफ़ी बेहतरीन हुई है इस बार, क्वार्टरली बेस पे एज वेल एज ईयरली बेस पे यहाँ पर जंप दिखाया गया है। बट एक्सपेंस, तो एक्सपेंस अगर कंपनी रोक लेती है तो वही उसका अगर कंट्रोल कर लेती है तो वहाँ पर प्रॉफिट बढ़ने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बट यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखिए रिवेन्यू तो उनका अच्छा हुआ ही है, हुआ है, कमाई तो अच्छी हुई है, बट अगर एक्सपेंस की बात करते हैं तो एक्सपेंस भी कंपनी ने काफ़ी किए है। कितना? लगभग 1,82,114 लाख रुपीज़ का यहाँ पर एक्सपेंस हुआ है, जो लास्ट क्वार्टर 1,40,705 था, और जो ईयरली जो लास्ट क्वार्टर लास्ट ईयर के क्वार्टर में लगभग 77,973, ओके, तो टोटल एक्सपेंस यहाँ पर इतना था। तो देखिए ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली बेस पे एक्सपेंस भी बढ़ते हुए हमें नज़र आए। बट अगर हम प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 7,597 इस बार का है, लास्ट क्वार्टर 6,614 लाख रुपीज़ का था, और इससे पहले लगभग 3,000 कह सकते हैं यहाँ पर लास्ट ईयर के क्वार्टर में, ओके, Q3 में यहाँ पर 3,014 का यहाँ पर लाख इन रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। बट अगर टैक्स वगैरह देने के बाद नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या NPAT की बात करते हैं, तो देखिए नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना, 5,729, ओके, स्टैंड अलोन ये शीट है, और इसके अलावा इससे पहले 4,835, और इससे पहले 2,218। तो देखिए क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली बेस पे कंपनी ने काफ़ी मतलब अच्छे खासे इन्होंने रिजल्ट्स पेश करे हैं इस बार भी, तो आप देख सकते हैं कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है। एज वेल एज यहाँ पर स्प्लिट की न्यूज़ आपको मिल चुकी है। अगर EPS की बात की जाए तो यहाँ पर EPS लास्ट क्वार्टर बेसिक यहाँ पर देख सकते हैं, लास्ट ईयर के Q3 में 19.51 था, उसके बाद लास्ट क्वार्टर 41.78 था, तो लगभग अभी 49.43 है, ओके, यहाँ पर देख सकते हैं EPS। तो EPS से हमें पूरी पता चल जाती है कंपनी प्रॉफिट कर रही है या नहीं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया है, तो काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पर। तो कंपनी में आप इस व्यू को देखते हुए, इस सब चीज़ को देखते हुए आप इन्वेस्ट करने की एक बार सोच सकते हैं। एज वेल एज जैसे कि बताया है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने आपको क्या दिया है, आपको एक तोहफा दिया है। किस चीज़ का तोहफा दिया है? तो कंपनी ने तोहफा दिया है आपको स्प्लिट का। तो कंपनी इज़ गोइंग टू स्प्लिट, यहाँ पर आप देख सकते हैं सब डिविज़न ऑफ स्प्लिट ऑफ एग्जिस्टिंग 1 इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू 10 ईच फुल्ली पेड अप इनटू 5 इक्विटी शेयर ऑफ 2 फेस वैल्यू, ओके, तो 5-10 का जो फेस वैल्यू है वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका एक शेयर की जगह 5 शेयर आपको मिल जाएंगे। तो ये होने को जा रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, और जिन्हें भी जिनके पास भी शेयर है उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। और कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट भी किया है,
ओके, यहाँ पर आप न्यूज़ भी देख सकते हैं, न्यूज़ में भी काफ़ी अच्छा ईयरली बेसिस पे लगभग 130% का यहाँ पर जंप देखा गया है। ओके, और अगर बात की जाए 62 करोड़ रुपए का यहाँ पर नेट प्रॉफिट होता हुआ नज़र आया, लगभग 134% का यहाँ पर ईयरली बेस पे कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। बट आपको जैसे पता है कल बजट था, बजट में उन्होंने महंगे हो गए हैं मोबाइल, और कंपनी किस में काम करती है, तो कंपनी जो काम करती है मोबाइल्स में भी काम करती है, तो कहीं ना कहीं इसका भी इम्पैक्ट शायद आने वाले टाइम में पड़ सकता है। अगर यहाँ सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कंज्यूमर में यहाँ पर आप देख सकते हैं रेवेन्यू इस बार इतना हुआ है लास्ट क्वार्टर में, लास्ट ईयर के क्वार्टर में Q3 में ही इतना था, तो मतलब क्वार्टरली बेस पे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में बढ़ोतरी है, लाइट प्रोडक्ट में भी बढ़ोतरी है, होम अप्लाइंस में भी लगभग बढ़ोतरी है, लगभग सब कुछ डबल डबल होता हुआ या थोड़ा बहुत परसेंटेज बढ़ता हुआ नज़र आया है। मोबाइल जो सेगमेंट है, ओके, जो सबसे बड़ा सेगमेंट एक तरीके से लगता भी है कि क्योंकि अगर यही कंपनी है जो मोबाइल इंडिया में बनाती है, तो जो कि लगभग डबल से ज़्यादा होते हुए नज़र आ रहा है। सिक्योरिटी सिस्टम जो कि आपके कैमरेज वगैरह होते हैं उसमें भी कुछ ज़्यादा खास जंप नहीं है, बट स्टिल देर इज़ अ सम परसेंटेज ऑफ जंप्स। तो यहाँ पर अगर रिवर्स लॉजिस्टिक की बात की जाए तो वो लगभग कम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो कंपनी ने ओवरऑल काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, एज वेल एज जो न्यूज़ है ओके स्प्लिट की, वो तो एक आपको बड़ा अच्छी खासी न्यूज़ मिली है, जिस वजह से यहाँ पर शेयर झूमता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो अगर आप पोजीशन को भी बनाना चाहते हैं, तो उस पोजीशन को बनाने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ज़रूर ले लीजिए। और फिर दोबारा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि छोटे मोटे शेयर में ज़्यादा पैसा मत लगाइए, ओके, बड़े शेयर में, ऐसे बड़े शेयर मिड कैप और ज़्यादा लार्ज कैप में शेयर जो Nifty 50 के स्टॉक होते हैं उसमें ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, और हमारे चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो वीडियो को भी लाइक शेयर कम कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।